अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो डायबिटीज़ का है। सो डायबिटीज़ को हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो जो शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर की जगह हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन या डिसेबिलिटी भी लिख सकते हैं। लेकिन डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि ये डिसऑर्डर उसे कहते हैं कोई एक डिज़ीज़ हो, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी कंडीशंस आ जाएं, एबनॉर्मल कंडीशंस प्रोड्यूस इंड्यूस हो जाएं, तो उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे डायबिटीज़ एक, अगर डायबिटीज़ काज होती है तो चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ काज होने के कुछ टाइम बाद रेटिनोपैथी भी काज हो जाए। इसके अलावा फिर डायबिटिक फुट है, न्यूरोपैथी है, और फिर किडनी इशूज़ होते हैं। इन ये सारी एबनॉर्मल कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं डायबिटीज़ की वजह से होती हैं ये सब, इसलिए डायबिटीज़ को डिसऑर्डर कहते हैं। सो डायबिटीज़ इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज़ द सिंपलेस्ट वन डेफिनेशन। ओके, अगर इसके अलावा हम दूसरी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि डायबिटीज़ इज़ द डिसेबिलिटी ऑफ द बीटा सेल्स विच प्रोड्यूस द इंसुलिन टू लोअर द इंसुलिन हार्मोन टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। इसके अलावा हम मूव करते हैं फिजियोलॉजी पर, फिजियोलॉजी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंसुलिन माइक्रोस्कोपिकली अगर हम फिजियोलॉजी उसकी देखें डायबिटीज़ की, तो इंसुलिन, व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन इज़ एन हार्मोन विच लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारे खून में जो ग्लूकोज लेवल है उसका जो लो करता है वो इंसुलिन करता है। ठीक है, अच्छा, इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बीटा सेल्स, बीटा सेल्स इज़ अ टाइप ऑफ सेल विच प्रोड्यूस इंसुलिन। ठीक है ना, एंड बीटा सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं? बीटा सेल्स मौजूद होते हैं पैनक्रियास में। पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास इज़ अ ग्लैंड। समटाइम्स जैसे कुछ ग्लैंड होते हैं जो एक्सोक्राइन होते हैं, और कुछ ग्लैंड जैसे होते हैं जो एंडोक्राइन होते हैं। ठीक है ना, लेकिन पैनक्रियास वो ग्लैंड है जो दोनों एक्टिविटीज़ शो करता है। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ को, जो तीन लाइनों का मैंने पैराग्राफ समझाया, इसी को मैक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं। तो पैनक्रियास, पैनक्रियास इज अ ग्लैंड विच कंटेन्स बीटा सेल्स। बीटा सेल, व्हाट इज बीटा सेल? इज बीटा सेल, बीटा सेल इज अ टाइप सॉरी विच प्रोड्यूस इंसुलिन। इंसुलिन इज एन हार्मोन विच लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ये वाली स्लाइड अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो समझ लें कि आपने पूरी डायबिटीज़ को समझ लिया है। ठीक है ना, इसके अलावा टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़ क्या हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द डायबिटीज़, टाइप वन डायबिटीज़, टाइप टू डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड एडोपैथिक डायबिटीज़ हम कह सकते हैं, जो फोर्थ वन टाइप जो है डायबिटीज़ की। ठीक है, टाइप वन डायबिटीज़ कौन सी होती है? टाइप वन डायबिटीज़ वो होती हैं जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड में होती हैं या प्यूबर्टी में होती हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पर टाइप वन के अंदर इंसुलिन जो बीटा सेल्स होते हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ बीटा सेल्स नेक्रोसिस, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती है। जब इंसुलिन नहीं बनती है तो फिर हमें इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है थ्रू इंसुलिन पंप के। ठीक है ना, टाइप टू डायबिटीज़ कौन सी होती है? टाइप टू डायबिटीज़ वो होती है जिसमें इंसुलिन लिटिल बिट प्रोड्यूस होती है, लेकिन that will be not sufficient to lower the blood glucose level. अच्छा, type 2 diabetes जो होती है वो after the age of 35 होती है। ठीक है, यह डिफरेंस याद रख लें type 1 और type 2 के बीच में। type 1 जो होती है वो childhood में होती है, और type 2 जो है वो after the age of 35 years होती है। एक डिफरेंस ये है, दूसरा डिफरेंस ये है कि type 1 के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन बहुत कम अमाउंट के अंदर होती है। अच्छा, तीसरी जो टाइप है डायबिटीज़ की वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो जेस्टेशनल टाइप है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है काज होती है, और जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो फिर ये वाली जो टाइप है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वी कैन से दैट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ द टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ द डायबिटीज़ और द टेम्प्रेरी टाइप ऑफ द डायबिटीज़। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू अननोन रीज़न ये चौथी जो है फोर्थ वन टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटिस की। ये अक्सर
मेडिकेशंस की वजह से हो जाती है, इसका कुछ रीज़न मालूम नहीं है, या तो मेडिकेशंस हो रही है या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से हो रही है, या फिर जो ह्यूमन का लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से हो रही होती है। ठीक है, तो ये चार टाइप्स हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। जो साइन ऑफ सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, फटीग, वेट लॉस, ब्लड विजन, जैसे मैंने पहले बताया कि रेटिनोपैथी जो आई नर्व होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है ब्लड विजन हो रहा होता है। एंड लास्ट वन इज़ इंक्रीज थर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट जो साइन मैंने बताया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब जब यूरिनेशन के थ्रू वाटर जो है कॉन्टेंट हमारा बॉडी से डिक्रीज हो रहा होता है, एक्सपेल हो रहा होता है, तो जाहिर सी बात है बॉडी को वाटर की, लिक्विड की नीड होती है, तो फिर वो थ्रस्ट, एक जो फीडबैक सिस्टम होता है उसके थ्रू थ्रस्ट इंक्रीज होती है, जब थ्रस्ट ताकि बॉडी को वाटर मिल सके। ठीक है, ये दीज आर दी मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं, फास्टिंग, ग्लूकोज लेवल टेस्ट, मतलब सुबह का जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है उससे पहले जो है हम ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको हम मेजर करते हैं, ये बहुत कम होता है, लेकिन HbA1c जो थर्ड वन डायबिटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड टाइप है टेस्ट की वो OGTT है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं कि जो ग्लूकोज हम इंटेक कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा, HbA1c टेस्ट जो होता है ये 3 मंथ की प्रोफाइल बताता है। HbA1c जो थर्ड वन टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, 3 मंथ की जो प्रोफाइल है वो बताता है कि 3 मंथ हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या रहा है। ठीक है, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है A1c, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं HbA1c, और उसको टेस्ट करते हैं जो इसी की वजह से बताता है कि हमारे ब्लड में प्रीवियस 3 मंथ्स क्या लेवल रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, अच्छा, ये लेक्चर जो था, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं, टाइप डायबिटीज़ की डेफिनेशन को कवर किया है, देन वी कवर द फिजियोलॉजी ऑफ द इंसुलिन। ठीक है, अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपकी जो डायबिटीज़ है बिल्कुल आपकी बेहतरीन हो जाएगी। देन टाइप ऑफ द डायबिटीज़, विच आर दी 4 टाइप्स, आफ्टर दैट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, एक होती है डायबिटीज मेलाइटिस एंड सेकेंड वन इज डायबिटीज इंसिपिटस, बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक अलग सीरीज बनाऊँगा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गई और डायबिटीज इंसिपिटस होती है जो कन्फ्यूज़ कर सकती है स्टूडेंट्स को। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसको भी हमने कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लेक्चर, कोई टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक फिर उसी के ऊपर जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।